जीवन को जीने से पहले जान दो रे, जान दो रे। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो पहचान साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ केवल सबका पेशा चलना है, यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। विशाखा के साथ हो रहे वाकयों को जानकर विक्रम रघुनाथ और शालिनी से झगड़ा करता है। रघुनाथ डॉक्टर से विक्रम को पागल बनाने के लिए कहता है, तभी उनकी बातें कोई सुन लेता है। रघुनाथ विशाखा को बताता है कि विक्रम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अमर विशाखा को समझाता है कि विक्रम से मिलने के लिए ये ठीक वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर सामंत बलराज को बताते हैं कि मुनावर अब उनका मेहमान है। रघुनाथ और डॉक्टर की बातें छिप कर सुनने के लिए कृष्णकांत अश्विनी को फटकारता है। कैसे हो बलराज? जी ठीक हूं। आओ बैठो। जी यहीं पर ठीक हूं। चलो भाई हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये बताओ बलराज, माई आजकल दिखाई नहीं दे रही है? माँ गांव गई है। एक वही तो है जिसे हम तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हैं, वरना तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है हमसे बात करने का, बस हर वक्त दोस्त दोस्त। अभी भी उसी से मिलने आए हो? जी। अच्छा है, वेरी गुड। तो बलराज तुम एक काम करो, अपने दोस्त को समझाओ। अरे भाई इतना बड़ा कारोबार है, घर है, रिश्तेदार है, अपनी मां का दिल दुखाने से क्या फायदा? अरे समझाओ उसे। जी भाई मैं तो चाहता हूं कि तुम और वो दोनों मिलकर ऑफिस आया करो और काम में ध्यान दिया करो, वरना वो कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस वही हालत है उसकी। हाथ हटा, मैं कहता हूं हाथ हटाओ। विक्रम तू शांत हो जा, विक्रम शांत हो जा। इस आदमी से दूर रहे पल्लू, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये हम सबकी जान का दुश्मन है। विश्व को मारने के लिए इसी ने नकाबपोश भेजा था। What nonsense? क्या हुआ? फिर से दौरा पड़ा क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मुझे कुछ नहीं हुआ, चल पल्लू चलते हैं। नहीं विक्रम तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर ले यार। इसने सुबह से दवाइयां भी नहीं ली है। ये तूने ठीक नहीं किया विक्रम। अरे दवाइयां तो लेनी चाहिए थी तुझे, क्यों नहीं ली? क्योंकि हो सकता है किसी ने उन दवाइयों में जहर मिलाया हो। मेरे बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? तू भले ही मुझे अपनी मां ना समझता हो, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा मानती हूं, क्योंकि तू मेरा बेटा है। ए, विक्रम चल चल, बाहर जाना ना तुझे, चलो चल चल। डॉक्टर से मिल रहा हूं, कुछ नए ट्रीटमेंट के बारे में सोचना होगा। क्या बात है, मैं देख रहा हूं आजकल विशाखा के काफी क्लोज होता जा रहे तू। तू उसे जानता है? नहीं। उसके घर वालों को? बिल्कुल नहीं। तो अपने काम से काम रखना। अरे मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूं, पर ये देख रहा हूं कि तू अपने काम से काम नहीं रख रहा है, बल्कि अपना काम छोड़ के उस ब्रदर एंड सिस्टर के पीछे ही पड़ गया है। रिलैक्स। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी सॉरी यार, चल चलते। गुड न्यूज सर, हमें यशवंत राव के घर का पता मिल चुका है। वो घर पर नहीं था, उसकी मदर थी, उनसे पूछताछ की, लेकिन वो कुछ नहीं जानती। जानती होगी,
सब कुछ जानती होगी। दिन के वक्त यशवंतराव वहीं गांव में आसपास घूमता होगा, लेकिन उसे अरेस्ट मत करना, खुला ही रहने देना। मगर सर, हरीश गलतियां सामने वाले करेंगे। अगर इस वक्त हमने उसे गिरफ्तार कर लिया तो हमें उसे खिलाने वाले का पता मिल जाएगा, लेकिन हमें तो उसके बाप को पकड़ना है। खैर, ये लिफाफा, इसे कृष्णकांत के नाम उसके ऑफिस के पते पर भेज देना। सर, घर के पते पर क्यों नहीं? हरीश, यहां हर कोई मौके की तलाश में है। कोई कुछ पाने का मौका ढूंढ रहा है, कोई कुछ छीनने का, और हमें किसी को कोई मौका नहीं देना है। मुझे यकीन है वो लड़की, वो अश्विनी सर, हाँ, उसे भी इसी की तलाश है। ओके सर। संभल संभल के संभल। अश्विनी, आशो संभल के। देखो आशु, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यहां मेरी तरफ देखो। वो तुम्हारे चेहरे पे जख्म, किसने मारा तुम्हें? कृष्णकांत जी ने हाथ उठाया तुम पर। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे। सिर्फ अश्विनी नहीं, तुम भी बल्लू। बताओ मुझे, वहां विशु को हॉस्टल में किसने फोन किया था? रघुनाथ ने। मैंने क्या? देख, मैंने उसका हाल पूछने के लिए उसे फोन किया था। इन बातों को लेकर तू ज्यादा सोच मत यार। मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा कर रखा तुमने ये मुझसे? क्यों? अब तुमसे कोई कुछ नहीं छुपाएगा अश्विनी। बोलने दे से। पिछली बार मैंने इत्तेफाक समझकर सच्चाई को तुमसे छुपाया था, लेकिन अब मैं सच बता देना चाहती हूँ। विक्रम, तुम्हारे साथ होने वाले इन हादसों के पीछे रघुनाथ जी और मेरे पापा का हाथ है। जब तुम पर गोली चलने वाली थी, मुझे पता था कि तुम पर हमला होने वाला है, और तुम्हें बचाने के लिए बल्लू और मैं वहां पहुंचे, लेकिन और फिर मैं चुप रही क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं किसी से भी कुछ भी कहूं। कहां जा रहा है तू? मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पागल पर मत गया यार तू। मैं पागल नहीं हूं। वो लोग तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो देखो, देखते रहो तुम लोग। मैं किसी की मनमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रम, उसके साथ जाओ बल्लू, लेकिन उसे रोकना मत। अब मैं देखना चाहती हूं कि रघुनाथ तख्त के साथ उसे और क्या नजराना देता है। अब किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, ये तो शुरुआत है। आप जानते हैं मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वो कितना संगीन जुर्म है, और उससे भी बड़ी है बेईमानी मेरे पेशे से। तुम हमारे साथ ईमानदारी निभा रहे हो, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। पाठक साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी आप यहां तक आ गए हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या है? पाठक साहब, हर इंसान के अंदर चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, शैतान छुपा हुआ होता है। जब आदमी लड़खड़ा कर गिरता है या चिकनाई से फिसलता है ना, तो सामने जो इंसान खड़ा होता है ना, वो आप पर हंसता है। तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए हंसना है हमारे साथ मिलकर। मगर जिस पर हंसना है वो फिसलेगा कब? बहुत जल्द।
हेलो, क्या वो मेरे घर आया था और यहीं आ रहा है? रघुनाथ जी, आप उस दरवाजे से निकल जाइए। लेकिन क्यों? देखिए, समझाने का वक्त नहीं है। आप डॉक्टर साहब को लेके उस दरवाजे से निकल जाइए प्लीज। बाद में मैं सब कुछ समझाता हूं, इस वक्त आप जाइए प्लीज प्लीज। अरे विक्रम, तुम्हें तो बिस्तर पे होना चाहिए था, यहां किस लिए आए हो? तुम्हें और रघुनाथ को पुलिस स्टेशन ले जाने। मुझे क्यों? तुमने साथ दिया है उसका, मेरे खिलाफ की गई हर साजिश में। अरे तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो, तुमने अपनी बेटी को भी बेरहमी से पीटा है। वो बेटी है मेरी, मैं उसे मारू या कत्ल करूं तुम्हें उससे क्या? वो दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त है या कुछ और भी? कृष्णकांत। नहीं ना, फिर तुम्हारा क्या हक बनता है अश्विनी के बाप से ये सब कहने का? तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है, और अगर दिमाग में ये ख्याल हो भी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में बीवियों को संभाल कर रखने की रीत नहीं है। अपनी मां को ही ले लो। कृष्णकांत। पल्लू, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ कहो इससे। और मार विक्रम। रघुनाथ, रघुनाथ, रघुनाथ। हेलो। हाँ हेलो, देखिए मैं अमर बोल रहा हूँ, विशाखा का दोस्त। हाँ हाँ बोलो जी। वो अपने ब्रदर से बात करना चाहती है, आप उन्हें लाइन पर बुला देंगे प्लीज? विशाखा का फोन है। हेलो। हाँ हेलो ब्रदर, मैं अंकल बोल रहा हूँ। जी अंकल। बेटी तुम फौरन यहां चली आओ, विक्रम की तबीयत बिगड़ चुकी है। क्या? तुम फौरन वहां से निकलो और अपने दोस्त को भी साथ लेती आना। लेकिन ब्रदर को हुआ क्या? मैं फोन पर नहीं बता सकता हूँ, बस तुम फौरन निकलो वहां से। जी। अब चलना ही है, मुझे ब्रदर के पास जाना है। चलते हैं, मगर प्लीज तुम रोना नहीं है। चलो चलो। संभल के, ओवरडोज हो गया तो कहीं मर न जाइए। नहीं मरेगा कृष्णकांत, इसे तो जिंदा रहना है। मां तो तड़प रही है बाहर, बहन को भी बुला लिया है तड़पने के लिए। जल्दी कीजिए डॉक्टर, आप पैर पकड़ लीजिए।
हेलो कृष्णकांत जी, अब मुझसे ये नहीं होगा। आपने जितने भी पैसे दिए थे मैं आपको आज शाम तक लौटा दूंगा। ये इनकार तो आपको पहले ही करना चाहिए था। अब हम लोगों ने जो तय किया है वही होगा। देखिए कृष्णकांत जी, आपकी ये भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही। हम विक्रम की ब्रेन से खेल रहे हैं। ऐसे ट्रीटमेंट से उसकी नसें फट सकती है, विक्रम मर सकता है। इतना सोचा है तो अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोचो। अगर सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ तो डॉक्टर पाठक मेरी भाषा समझो, और दिया हुआ पैसा अपने घर वालों की भलाई के लिए खर्च करो, समझे? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, नींद का एक इंजेक्शन दिया मुझे, अब सर में अचानक दर्द शुरू हुआ। तुम घर जाकर अपनी पापा की शक्ल देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा किसने किसको छोड़ा है और किसने। विक्रम, अपने गुस्से पर काबू रखो। विक्रम, अपनी बात पूरी करो। अश्विनी जी, मैं तो सिर्फ हाल पूछ रही थी। मत दो सजा अपने आप को। अगर तुम्हें यहां नहीं रहना है तो मत रहो, अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दो। विक्रम, अगर तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी मां का दिल मत दुखाओ। बहुत प्यार करती हो मुझसे? हाँ। बहुत चाहती हो मुझे? हाँ। मैं मेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ? हाँ। मुझे सामंत, इंस्पेक्टर सामंत से मिलना है, मिलाओगी? पहले तुम ठीक हो? हाँ या ना? हाँ। थैंक यू। अब तुम वादा करो, वक्त पे दवाइयां लोगे और खाना भी खाओगे? सौदेबाजी करना कोई तुमसे सीखे। कोशिश करूंगा। मैं खाना लाती हूँ। टकराओ विक्रम, इस चट्टान से जरूर टकराओ। बारूद हूं मैं रघुनाथ, बारूद। बारूद टकराते नहीं, सिर्फ अपने धमाके से चट्टान को मिट्टी का एक ढेर बना देते हैं। ये चट्टान ईंट और मिट्टी की नहीं बनी है विक्रम, लोहे की बनी है ये चट्टान, लोहे की। एक लोहार के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। कौन लोहार है और कौन सोनार, ये तो वक्त ही बताएगा विक्रम। मैं भी उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि विक्रम ने गुस्से में आकर कृष्णकांत जी पर हाथ उठाया। जानता हूं,
उन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई है। उनकी जान को विक्रम से खतरा है, उसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। नहीं, ये झूठ है। इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बलराज जी, आपको जो कुछ भी बात करनी है जरा खुलकर करिए, ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी स्टेटमेंट से आप रघुनाथ जी और कृष्णकांत जी को कोर्ट में घसीट सकते हैं। व्हाट? रघुनाथ जी? हाँ, मगर मैं कोर्ट में अकेला नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। मुनावर भी आपके पास है, हम दोनों मिलकर स्टेटमेंट देंगे। मुझे शक है कि मुनावर ने आपको जो नाम दिया है वो इन दोनों में से ही किसी का है। क्या हुआ? अच्छी कोशिश है, लेकिन मुनावर लोगों से नहीं मिलेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे मुनावर से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मुनावर किसी से नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। और बलराज जी, जरा सोच समझकर लोगों के नाम लिखिएगा। कानून की किताबों में ना ही रिश्तों के पन्ने होते हैं और ना ही जज्बात की लिखाई। सजा किसी को भी हो सकती है। तुम बिना वजह उसका टेंशन ले रही हो, ये सब उसके दिमागी ख्याल है। सामंत को यहाँ बुलाना, मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाना। हम किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, ये सब मेरे लिए जो नफरत है ना उसके दिल में, उसी का नतीजा है। जिस तरह एक कृष्णकांत को मारा है ना, एक दिन वो मुझे भी मारेगा। उसकी बातों का बुरा मत मानिए, उसका दिल रखने के लिए एक बार सामंत को यहाँ बुलाइए ना, प्लीज। अरे क्यों घर के मामले तुम चौराहे पर ले जाना चाहती हो? अपने एक फैसले से पहले मैंने उसे बहुत दुखाया है, अब मैं उसका विश्वास खोना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं उसके लिए खाना परोसती हूँ। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, कंप्लेंट लिखवाई? हाँ सुबह, क्यों पूछ रहे हैं? सामन को बुलवाना पड़ेगा, विक्रम उसे मिलना चाहता है। क्या? तुम आओ फिर मैं समझाता हूँ। साहब आपके लिए। मुझे बचाओ वरना सब मरोगे।